नूपुर शर्मा के विवादित मामले को लेकर पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की ओर से संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। भारत में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ हुई विवादित टिप्पणी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने बैठक में भारत के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की ओर से विवादित टिप्पणी पर चिंता जताई। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर माहौल काफ़ी गर्म था। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी। आपको बता दें बाद में बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था, जबकि विवादित ट्वीट करने वाले एक और नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के दौरान भयंकर हिंसा भी हुई थी। झारखंड में तो 2 से 3 लोगों की मौत भी हो गई, तो वहीं कहीं कहीं पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में इस्लामोफोबिया से जुड़ी घटनाओं में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुँची और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसका दुरुपयोग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।